एकता कपूर की नागिन सीरीज से कई एक्ट्रेसेस की किस्मत चमकी है। एकता के शो से जिस भी एक्ट्रेस का नाम जुड़ता है, नाम के साथ साथ कामयाबी शोहरत उनके पीछे दौड़ी चली आती है। लेकिन नागिन सीरीज इस शो की एक एक्ट्रेस के लिए इतना फायदेमंद साबित नहीं हुआ जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। हालात ये हो गए कि एक्ट्रेस काम को तो तरसी ही, साथ ही साथ वो अपना घर भी गवा बैठी। लेकिन आखिर कौन है ये एक्ट्रेस और कैसे हुआ उनका ऐसा हाल, ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। बल तो हम बात कर रहे हैं सायंतनी घोष की, जो नागिन सीजन 4 में नजर आई थी। हाल ही में सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में सायंतनी ने खुलासा किया कि नागिन शो में बड़े किरदार को निभाने के बाद उनके पास काम की बेहद कमी हुई। उनके पास काम तो आया लेकिन कोई भी ऐसा किरदार नहीं था जिससे उन्हें खुशी मिले, और धीरे धीरे हालात बद से बदतर होने लगे। पैसे की इस हद तक कमी हो गई कि उनके पास घर बेचने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा, और अब वो रेंट के घर पर शिफ्ट हो चुकी हैं। एक्ट्रेस इस बारे में डिटेल में बताती हुई कहती हैं, मैं टीवी की नागिन के रूप में एक बड़ा चेहरा बन गई थी। मेकर्स भी इस सोच में थे कि 6-7 महीने इनकी नागिन की इमेज को शांत होने दो, इसके बाद कुछ नए किरदार के साथ लॉन्च करेंगे। लेकिन जो रोल्स मेरे पास आए मैंने मना कर दिया। रोल सुनकर लगता था कि फैंस के बीच उस तरह से इनके जरिए मैं पॉपुलर नहीं हो पाऊंगी जो मैं नागिन के समय हुई। इस चीज के चलते मैं करीब 1 से 1.5 साल घर में ही रही। पैसा कहाँ से आए, 23 साल की उम्र में इतना नहीं पता था मुझे कि पैसे सेव कैसे करके चलने हैं। एक समय ऐसा आया कि इस सोच में पड़ गई कि आखिर पैसे आए कहाँ से। हालांकि मैं अपने पिता से भी पैसे मांग सकती थी लेकिन नहीं मांगे। सायंतनी आगे बताती हैं कि वो एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखती थी, ऐसे में ना तो वो अपने पति से मदद लेना चाहती थी और ना ही अपने पिता से, और इसी वजह से पैसों की तंगी को दूर करने के लिए उन्होंने आखिरकार अपने घर को बेचने का फैसला किया। सायंतनी कहती हैं, दिल पर पत्थर रखकर मैंने घर बेचा, किराए के घर में शिफ्ट हुई। बतौर एक्टर हमें हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है। एक एक्टर के जीवन में 3-4 साल के बाद एक ऐसा फेज आता है जब हमारे पास काम नहीं होता, पैसे खत्म हो जाते हैं। आप बड़े स्टार बनते हैं तो एक बड़ा रोल मिलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। आज के समय में काफी कॉम्पिटिशन हो गया है। जब मैंने करियर शुरू किया था तब बेकार से बेकार शो भी 1-1.5 साल चल जाता था। आज एक शो शुरू होकर कब खत्म हो गया पता भी नहीं चलता। आज के समय में एक्ट्रेस को महीने की सैलरी नहीं मिलती, 90 दिन बाद सैलरी मिलनी शुरू होती है। तो स्ट्रगल हर एक्टर की लाइफ का हिस्सा बन गया है। बता दें कि इन दिनों सायंतनी सब टीवी के शो अलीबाबा में नजर आ रही हैं। इस शो में सायंतनी सिमसिम का रोल निभा रही हैं और उन्हें इस किरदार में लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। इस शो से एक बार फिर से सायंतनी कोशिश कर रही हैं कि उनकी लाइफ फिर से पटरी पर लौट आए और बीते कुछ सालों में उन्होंने जो कुछ भी खोया है वो उन्हें वापस मिल जाए।